अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 की, जिसका नाम है घातांक और घात। तो हमें देखना है कि घातांक और घात होते क्या हैं और इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मान लो कि कोई आपको कह दे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मैं मान रहा हूं कि मान लो आपको इस प्रकार से कह दे कि इस प्रकार से आपको लिख दिया इतने केजी है, तो आप इसे क्या करोगे? अगर आप पढ़ना चाहोगे या लिखना चाहोगे तो हर बार इतना बड़ा लिखना संभव नहीं होगा, या अगर हम इस प्रकार लिखेंगे तो हमसे कुछ भूल होने की संभावना है कि हो सकता है कि हम एक या दो जीरो कहीं पर भूल जाएं। तो इसे लिखने के लिए कुछ गणितज्ञों ने क्या किया, इसको अलग तरीके से या इस घातांक और घात का क्या किया, आविष्कार किया, ताकि हम बड़े मानों को संक्षिप्त रूप में लिख सकें। ये मान लो ये हो गया। उसके अलावा मान लो हमें कह दिया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो इस प्रकार से हमें दे दी। ये कुछ भी हो सकता है, ये मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, मान लो कि ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दिया गया। अब ये जो इतनी बड़ी जो अपने पास संख्याएं हैं उसको हम व्यवस्थित नहीं कर सकते या इनमें संभावनाएं होती हैं गलती होने की, इसलिए गणितज्ञों ने क्या किया, इसको छोटा रूप दे दिया। और छोटा रूप देने के लिए जो काम आएगा उस टॉपिक का नाम क्या है, घातांक और घात, ये अपने पास यहाँ पर काम आएगा। तो सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे कि घातांक क्या होती है और किस प्रकार से हम घातांक को हल कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूं घातांक की। तो घातांक की अगर बात करें तो मान लो आपको कहीं या इस प्रकार से दिया गया है दो, और यहां ऊपर लिखा है तीन, दो के ऊपर क्या लिखा है तीन। तो इस प्रकार से अगर लिखा है तो ये जो दो है, ये दो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। दो क्या कहलाता है, आधार। ये जो है ये क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है, घातांक कहलाती है। ये अपने पास क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ये इसकी क्या है, घात है। दो की घात कितनी है, तीन है। और ये जो पूरा जो है वो क्या कहलाता है, अपने पास घातांक कहलाता है। पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, घातांक। यहाँ दो क्या है, आधार है, और तीन क्या है, घात है। तो इसे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से, इसे हम पढ़ेंगे दो की घात तीन, दो की घात तीन, इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। अगर मान लो इस प्रकार से होता, दो ऊपर हमें दिया होता दस, तो ये इसे हम क्या पढ़ते, दो की घात कितनी, यहां पर है दस, तो हम पढ़ेंगे दो की घात दस। अगर मान लो आपको इस प्रकार से दे दिया पांच की पावर सात, अगर मैं इसे इंग्लिश में अगर बोलना चाहूं तो मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं पांच की पावर, घात जो होती है उसे पावर भी कहा जाता है, तो पांच की पावर सात, तो इसे क्या पढ़ोगे आप, पांच की घात सात, ये अपने पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो होगा वो क्या होगा, आधार, और ये क्या होगी, घात। तो आप देखोगे कि जो आधार है, आधार की घात कितनी है वो आपको देखना है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में इसका मान कितना आएगा या किस प्रकार से हम हल करेंगे। अभी तक हमने बात की है केवल आधार की, वह अंक जिसको हमें जिसकी पावर बननी है कुछ, वह अंक क्या होता है, आधार। जो हमारे पास ऊपर है वो क्या होगा, घात होगा, ये हमारे पास क्या हो जाता है, घात हो जाता है। और इसे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कि दो की घात कितनी है, तो तीन है तो तीन, दस है तो दस, पंद्रह है तो पंद्रह, इस प्रकार से आप पढ़ोगे। एक चीज और, अगर मान लो दो की घात दो है तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसे हम कह सकते हैं दो का वर्ग। अगर पावर दो है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, वर्ग। अगर या अंग्रेजी में अगर हम कहें तो किसका नाम क्या होता है, स्क्वायर। इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर। अगर दो की पावर तीन है, आवश्यक नहीं है दो क्या जाता है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, दो की पावर तीन, तो हम इसे क्या कहेंगे, दो का घन कहेंगे, दो का घन, या हम कह सकते हैं दो की क्यूब, क्या कहेंगे, क्यूब। और इसके अलावा जैसे ही चार पांच ये आएगी तो इसे क्या पढ़ेंगे, दो की पावर चार, दो की पावर पांच, इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। जब घात दो होगी तो हम पढ़ेंगे उसको दो का वर्ग या दो का स्क्वायर, अगर तीन होगी तो हम पढ़ेंगे दो का घन या दो की क्यूब, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ये जो दो है वो यहाँ आधार है और ये जो ऊपर लगी है ये क्या है, घात है, इस प्रकार से हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि घातांक का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है या इसका अर्थ क्या है। जैसे आपको दे दिया कि दो की पावर तीन या दो की क्यूब, मैं इस प्रकार से इसे पढ़ सकता हूं, तो इसको अगर आपको पूछे कि ये वास्तव में है क्या, तो अगर आपको पूछ रहे है क्या, तो इसका अर्थ ये है कि दो का आपस में कितनी बार गुणा हुआ है,
तीन बार गुणा हुआ है तो दो का गुणा करो कितनी बार, तीन बार, तो दो का तीन बार गुणा करेंगे तो दो का दो से गुणा किया चार, और चार का दो से गुणा किया कितना आएगा आठ, यानी दो की क्यूब जो है वो वास्तव में क्या है आठ के बराबर होती है। और क्यूब का अर्थ क्या हुआ, जो आधार है उसे तीन बार गुणा कर दिया। जैसे मान लो आपको दे दिया कहीं दस की पावर चार, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसमें यहां आधार कितना है दस, घात कितनी है चार है, तो आपको क्या करना है ये जो आधार है उसका खुद के साथ कितनी बार गुणा करना है, चार बार गुणा करना है। तो क्या आएगा दस गुणा दस गुणा दस गुणा दस, तो ये क्या आएगा एक क्या आएगा एक दो तीन चार, चार जीरो आएंगे एक दो तीन चार, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी घात हो जाएगी, क्या हो जाएगी। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि घात हमारे पास क्या होती है, जितनी घात किसी आधार की होगी उस आधार का उतनी ही बार क्या होता है गुणा होता है। अगर मैं इसे आपको व्यापकता में बताऊं तो इस प्रकार से लिखता हूं, मान लो a की पावर m मैंने इस प्रकार से लिख दिया, तो यहां से आप क्या समझोगे, यहां से हमें समझना है कि ये जो a है उसका कितनी बार गुणा हुआ है m बार गुणा हुआ है। यहां m 10 20 100 50 कितना भी हो सकता है, अगर हम क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे कितनी बार, आप लिखोगे गुणा है कितनी बार m बार तक गुणा है, m बार तक गुणा है, तो ये हमारे पास a की पावर m का क्या हो गया अर्थ हो गया। तो आपको इस प्रकार से देखना है। अब आपको क्या कहेगा, आपको इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मान लो कि हमें कोई कह देगा कि दो की पावर चार है इसका मान ज्ञात करो, तो आप इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करोगे, आप दो का चार बार आपस में गुणा कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा चार, चार को दो से गुणा किया आठ, आठ को दो से गुणा किया सोलह, तो इसका मान आ जाएगा सोलह। अगर आपको कोई कह दे कि पांच की पावर तीन का मान ज्ञात करो, तो पांच का कितनी बार गुणा करना है, तीन बार गुणा करना है, तो ये कितना आएगा, पांच को पांच से गुणा किया एक सौ, पांच को पांच से गुणा किया पच्चीस, पच्चीस को पांच से गुणा किया एक सौ पच्चीस, तो ये कितना आएगा एक सौ पच्चीस आएगा। इस प्रकार से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, भले ही हमारे पास कोई भी घात क्यों ना हो, चाहे कुछ भी आधार हो कुछ भी घात हो, इस प्रकार से आपको मान ज्ञात करने हैं। अब बात यह है कि अगर मान लो आपको यहां ये मान दे दिया 125 और ये पूछ लिया कि ये किसकी घात है, यानी कि इसका आपको क्या लिखना है घातीय रूप लिखना है, कौन सा रूप लिखना है घातीय रूप, यानी कि इसे घात के रूप में लिखना है, तो आप इसे घात के रूप में किस प्रकार लिखोगे, तो आप क्या करो ये जो 125 है इसके टुकड़े करो, इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले देखो पांच से डिवाइड हो रहा है ये कितनी बार जाएगा 25 तक, फिर दोबारा पांच का भाग जा रहा है पांच तक, फिर दोबारा पांच का भाग गया एक बार, यानी पांच को पांच से गुणा किया और फिर पांच से गुणा किया, यानी 125 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पांच गुणा पांच गुणा पांच, तो पांच को कितनी बार गुणा हुआ है तीन बार, तो ये आएगा पांच की क्यूब, तो ये 125 का कौन सा रूप है घातीय रूप है। अगर मैं आपको इस प्रकार से कह दूं कि आपको मैंने लिख दिया कि 128 इसका घातीय रूप लिखो, तो इसका घातीय रूप क्या होगा, तो आप क्या करो इसका लघुतम समापवर्ती ज्ञात करो, सबसे पहले दो से ये कट रहा है तो ये कितना आएगा 64 आएगा, फिर दोबारा ये दो से कट रहा है 32 आएगा, फिर दो से कट रहा है 16 आएगा, फिर दो से काटेंगे तो 8 आएगा, फिर दो से काटने पर 4, फिर दो से काटने पर दो, और फिर दो से काटने पर दो, और फिर एक आएगा। तो देखो दो को दो से गुणा किया चार, चार को दो से गुणा किया आठ, आठ को दो से गुणा किया सोलह, सोलह को दो से गुणा किया बत्तीस, बत्तीस को दो से गुणा किया कितना आएगा चौसठ, और चौसठ को दो से गुणा किया 128। तो देखो कितने दो हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो हम लिख सकते हैं 128 को दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा एक दो तीन चार पांच छह और सात हैं, तो सात बार हमने दो लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे कि ये दो जो है वो कितनी बार आया है सात बार, तो इसे क्या लिखोगे दो की पावर सात, तो ये 128 का क्या हो गया घातीय रूप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको घातीय रूप लिखने हैं और या फिर आपको घातों के क्या करने हैं मान ज्ञात करने हैं, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो कि आपको माइनस एक दे दिया कहीं और उसकी पावर क्या दे दी आपको दो दे दी, तो आप देखो क्या होगा इसका मान। माइनस दो का अर्थ है कि मैं माइनस एक को माइनस एक से गुणा कर रहा हूं, पावर का अर्थ हुआ दो बार गुणा हो रहा है, तो माइनस एक को माइनस एक से गुणा किया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस एक आएगा,
माइनस एक को क्यूब करना है, तो माइनस एक को कितनी बार गुणा करना है, तीन बार गुणा करना है। तो आप तीन बार गुणा करो, माइनस एक को माइनस एक से गुणा किया एक, और इसे गुणा करना है माइनस एक से, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस एक आएगा। तो यहां इसका उत्तर कितना आया, माइनस एक। अगर मैं माइनस एक की पावर चार करूं तो क्या आएगा, माइनस एक को चार बार गुणा आएगा, कितनी बार आएगा, चार बार गुणा आया। तो ये क्या आएगा, माइनस एक को माइनस एक से गुणा किया एक आएगा, और माइनस एक को माइनस एक से गुणा किया ये एक आएगा, और एक को एक से गुणा किया तो क्या आएगा, एक आएगा। अगर मान लो मैं माइनस एक की पावर पांच करता हूं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक कितनी बार आएगा, पांच बार आएगा, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये क्या हो गया, पांच बार। ये जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक को माइनस एक से गुणा किया एक आएगा, यहां जब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। गुणा में क्या है, माइनस एक, एक को एक से गुणा किया क्या आएगा, एक आएगा। एक को हमें किससे गुणा करना है, माइनस एक से, तो दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस एक। तो यहां से आप एक चीज ढंग से देखो कि जब माइनस एक की पावर दो थी तो मान कितना आया, एक। जब माइनस एक की पावर अपने पास तीन थी, जब माइनस एक की पावर तीन थी तो हमारे पास मान जो है वो कितना आया, माइनस एक आया। जब हमारे पास घात चार थी तो मान कितना आया, एक आया। जब घात पांच है तो मान कितना आया, माइनस एक आया। आप देख सकते हो दो चार जो है इनके ऊपर मान क्या आया है, एक और एक। तीन पांच जो है इन पर मान क्या आ रहा है, माइनस एक आ रहा है। दो चार क्या है, सम है, यानी सम संख्या अगर आप लोगे, माइनस एक की पावर अगर आप क्या करोगे, कोई सम संख्या लोगे तो मान सदैव क्या आएगा, एक आएगा। और अगर आप माइनस एक की घात जो है वो विषम संख्या लोगे, विषम संख्या जैसे तीन, एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, ये विषम संख्याएं होती हैं। अगर देखो हमने जैसे तीन लिया तो माइनस एक आया, पांच लोगे तो माइनस एक आएगा, सात लोगे तो भी क्या आएगा, माइनस एक, नौ लिया तो भी माइनस एक ही आएगा। तो विषम संख्या अगर लेंगे तो मान क्या आएगा, माइनस एक आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस एक की पावर अगर सम संख्या है तो मान प्लस एक आता है, और विषम संख्या है तो मान माइनस एक आता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं घातांक पर आधारित प्रश्नों के बारे में। Now subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 256 को 2 के घात के रूप में व्यक्त करो। 256 जो है उसे हमें 2 की घात के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आप क्या करो, 256 लिखो और इसका लघुतम समापवर्ती जिस प्रकार ज्ञात करते हैं उस प्रकार से आप इसे ज्ञात करो। तो 2 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 1, 2 और 8, 128। फिर 2 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 6 और 4, 64 तक। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 32 आएगा। और फिर 2 से काटेंगे तो ये क्या आएगा, 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4। 4 में 2 का भाग देंगे आएगा 2। और 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि मैं 256 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2। देखो आप 2 गुणा कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7,
और आठ। हमने दो को कितनी बार लिख दिया? आठ बार। अगर इस प्रकार से आपने आठ बार लिख दिया तो यहां पर हर बार दो आधार है, तो दो आधार हो गया। दो कितनी बार आया है? आठ बार आया है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं दो की पावर आठ, यानी 256 जो है उसका घातीय रूप क्या हो जाएगा? दो की पावर आठ होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपसे पूछा है कि दो की पावर तीन और तीन की पावर दो जो है उनमें से बड़ा कौन है? तो आप क्या करोगे, इनका मान ज्ञात करोगे। दो की पावर तीन, इसका अर्थ क्या हुआ? दो को तीन बार गुणा करना है, तो दो गुणा दो गुणा दो। जब दो को दो से गुणा किया चार, चार को दो से गुणा किया क्या आएगा हमारे पास? आठ आएगा। और तीन की पावर दो है, इसका अर्थ हो गया तीन को तीन से गुणा करना है, तीन को तीन से गुणा करेंगे क्या आएगा? नौ। अब आप देखो, नौ बड़ा होता है या आठ बड़ा होता है? हमें पता है नौ बड़ा है किससे? आठ से। और बताओ नौ किसके लिए आया है? नौ आया है तीन की स्क्वायर के लिए, तो तीन की स्क्वायर जो है वो बड़ी होगी किससे? दो की क्यूब से। तो ये हमारे पास बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि आठ की पावर दो है वो बड़ा है या फिर दो की पावर आठ जो है वो बड़ा है, इसमें से कौन सा बड़ा है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आठ की पावर दो का मान ज्ञात करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है आठ को कितनी बार गुणा करना है? दो बार गुणा करना है। तो आठ गुणा आठ, आठ को आठ से गुणा किया क्या आएगा? 64 आएगा। दो की पावर आठ, इसका क्या अर्थ हुआ? दो को कितनी बार गुणा करना है? आठ बार गुणा करना है। तो दो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, और हमने कितनी बार लिख दिया? आठ बार लिख दिया। दो को दो से गुणा करेंगे चार, चार को दो से गुणा किया आठ, आठ को दो से गुणा किया सोलह, सोलह को दो से गुणा किया बत्तीस, बत्तीस को दो से गुणा किया चौसठ, चौसठ को दो से गुणा किया तो 128, और 128 को दो से गुणा किया तो 256। तो ये कितना आएगा? 256 आएगा। अब आप देखो, 256 जो है वो बड़ा होता है किससे? 64 से। 64 से क्या है? ये बड़ा है। तो देखो 256 किसके संगत आया है? दो की पावर आठ जब हमने की थी तब हमारे पास 256 आया। तो दो की पावर आठ जो है वो बड़ी है किससे? आठ की पावर दो से। तो ये इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप मान ज्ञात करो, फिर देखो जिसका मान बड़ा आ रहा है वही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, ए क्यूब बी स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर बी क्यूब कोमा बी स्क्वायर ए क्यूब और बी क्यूब ए स्क्वायर के प्रसारित रूप को लिखिए, क्या ये बराबर हैं? ये भी आपको बताने हैं। तो देखो ए क्यूब बी स्क्वायर, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ एक की क्यूब का अर्थ हो गया ए को तीन बार गुणा किया गया है, तो ए गुणा ए गुणा ए, और b का कितनी बार गुणा है? दो बार गुणा है, ये पहला हो गया। फिर आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, तो ये क्या है? a का दो बार गुणा है और b का तीन बार गुणा है, a का दो बार गुणा है और b का तीन बार गुणा है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया गया है बी स्क्वायर ए क्यूब, इसके अगर मैं गुणनखंड करूं तो यहाँ b कितनी बार है? दो बार, तो b गुणा b, और a कितनी बार है? तीन बार, तो आप ए को तीन बार गुणा करके लिख दो, एक बार, दो बार और तीन बार। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, बी क्यूब ए स्क्वायर, तो बी कितनी बार है? तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, और ए कितनी बार है? दो बार है। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इनका प्रसारित रूप लिख दिया। अब आपको देखना है कि क्या ये बराबर हैं? अगर इनके प्रसारित रूप बराबर हैं तो ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां आप देखो ए कितनी बार है? तीन बार है, और बी कितनी बार है? दो बार है।
अब और कोई देखो जिसमें ए तीन बार और बी दो बार हो, तो यहां देखो ए कितनी बार है, तीन बार, और वो बी कितनी बार है, दो बार है। तो हम कह सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए क्यूब जो है वो दोनों ही क्या है, बराबर है, केवल इनके स्थान क्या है, चेंज है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ ए दो है और बी तीन है, और इसमें भी बी तीन है और ए दो है, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब और बी क्यूब ए स्क्वायर जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि गुणा जो होता है वो कर्म निम्य हो सकता है, इसे आगे और पीछे लिखने पर कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, इन दोनों को आप आगे पीछे लिख सकते हो, तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं घात पर आधारित क्वेश्चनों की। तो उसी में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में इन्हें क्या करना है, व्यक्त करना है। हमें पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इन्हें घातों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हमें पहला यहाँ दिया गया है 72। तो हमें 72 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आप सबसे पहले अभाज्य संख्या का इसमें भाग दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो। तो दो का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तीन बार गया, यहाँ एक बच्चा और 12, तो यहाँ जाएगा 6 तक, 36 आ जाएगा। दोबारा इसमें दो का भाग जा रहा है कहां तक, 18 तक। दोबारा इसमें दो का भाग जा रहा है कहां तक, 9 तक। अब इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, तो दो से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, तीन। तो इसमें तीन का भाग देंगे, यहाँ तीन, यहाँ तीन, और यहाँ क्या आएगा, एक आएगा। तो हम 72 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम 72 को लिख सकते हैं, दो कितनी बार है, तीन बार, तो दो गुणा दो गुणा दो, और तीन कितनी बार है, तीन गुणा तीन। अगर मुझे इसे घात के रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिख सकते हैं दो कितनी बार आया है, तीन बार, तो दो की घात कितनी हो गई, तीन, और गुणा तीन कितनी बार आया है, दो बार, तो तीन की घात कितनी हो गई, दो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड। सेकेंड में अगर हम बात करें कि हमारे पास उसमें क्या करना है, सेकेंड में दिया गया है 432। उसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले दो का भाग देते हैं, तो यहां कितनी बार जाएगा, दो बार, फिर जाएगा एक बार, आगे एक बचा और आगे दो है, तो कितना, 6 तक, 16 आएगा, 216। अब मैं इसका दोबारा दो का भाग देता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, 108 आएगा। फिर अगर मैं इसमें दोबारा दो का भाग देता हूं तो कितना आएगा, 5 बार गया और आगे 4 बार गया, 54 आएगा। फिर अगर हम दो का भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 27 आएगा। अब इसमें दो का भाग नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, इसमें अगली अभाज्य संख्या यानी तीन का भाग देंगे, तो तीन का भाग कितनी बार जाएगा, 9 तक। दोबारा तीन का भाग देंगे क्या आएगा, तीन, तीन में तीन का भाग देंगे क्या आएगा, एक आएगा। तो 432 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चार, दो जो है वो कितनी बार आया है, चार बार, तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, और तीन कितनी बार आया है, एक दो तीन, ये आया है। दो कितनी बार है, चार बार, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तीन कितनी बार है, तीन बार, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दूसरा हो जाएगा। ये इस मार्ग हम क्या कर सकते हैं, इसके अभाज्य हमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना है, हमें सीधे घात के बारे में नहीं पूछा गया है, तो अभाज्य गुणनखंड आप इसी प्रकार से इनके करोगे। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, तीसरा हमें कहा गया है, तीसरा हमें क्या कहा गया है, 1000 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसे हमें घात के रूप में लिखना है। तो आप 1000 के अभाज्य गुणनखंड करो, 1000 लिया है, सबसे छोटी संख्या पहले 2। अगर 1000 को आप सीधा घात के रूप में लिखोगे तो 1000 को देखो 10, अगर 10 को तीन बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1000 आएगा। सीधा घात के रूप में तो ये लिख सकते हैं, लेकिन हमें अभाज्य पूछा है तो अभाज्य के लिए हमें क्या करना होगा, इनके गुणनखंड करने होंगे। तो देखो 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 500, फिर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 250, फिर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 125। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग आगे इसमें नहीं जाएगा, तो हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग नहीं देंगे, 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग कितनी बार गया, 25 तक जाएगा। फिर दोबारा 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार,
पांच में पांच का भाग जाए कितनी बार जाएगा? एक बार। तो मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूं? दो जो है वो कितनी बार आए? तीन बार आए। पांच जो है वो कितनी बार आए? तीन बार आए। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा तीसरा। उसके बाद हमें पूछा है चौथा, तो चौथा किस प्रकार से किया जाएगा? तो वो हम देखते हैं। चौथा हमें दिया गया है 16,000। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो क्या होगा, 16,000 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग, तो क्या आएगा? 8,000 आएगा। फिर 2 से दोबारा विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 4,000 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2,000 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2,000 में 2 का भाग दिया, क्या आएगा? 1,000 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे, क्या आएगा? 500 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 250 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 125 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, 5 का भाग दिया तो 5, और फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब आप देखो यहां 2 है वह कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप 7 बार 2 लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 2 आया। 5 कितनी बार आया? 1, 2, 3 बार 5 आया है। 1, 2, 3 बार हमने 5 लिख दिया। 2 आया है 7 बार, तो 2 की पावर 7 इंटू 5 आया है 3 बार, तो 5 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या है, 16,000 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड होंगे, और इसे हमने घात के रूप में भी व्यक्त कर दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नाउ सब्सक्राइब टू ब्राइट ड्यूटी कोर्स एट ₹1 per day ओनली। Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमें कहा गया है निम्नलिखित का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 की पावर 5। 1 को अगर हम क्या करें, 5 बार गुणा करें तो क्या आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। अगर आप 1 को कितनी भी बार गुणा कर लो, सदैव क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मान हो गया 1। अब हमें कहा गया है -1 का पावर 3 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, -1 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो -1 गुणा -1 गुणा -1 ये आएगा। अब आप देखो यहां -1 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 को 1 से गुणा किया, 1 आएगा। इसका गुणा करना है किससे, -1 से। प्लस का माइनस से गुणा किया, माइनस, 1 को 1 से गुणा किया, क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने आपको एक नियम भी बताया था कि अगर -1 की पावर विषम है तो सदैव जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। उसके बाद -1 की पावर 4 है, तो -1 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। 4 एक सम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। देखते हैं किस प्रकार आएगा, -1 को -1 से गुणा किया, माइनस माइनस, प्लस, 1 को 1 से गुणा किया, 1, -1 को -1 से गुणा किया, माइनस माइनस, प्लस, और क्या आएगा, 1, 1 को 1 से गुणा किया, क्या आएगा, 1। तो यहां देखो -1 की पावर 4 यानी -1 की पावर सम संख्या अगर है तो मान क्या आएगा, +1 आएगा, और अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब हमें क्या कहा गया है, -10 की पावर 3, इसका मान ज्ञात करो। तो -10 इंटू -10
इंटू माइनस दस, ये हमें करना है। अगर आप माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 10 को 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, 100 होगा। इसको गुणा करना है किससे, माइनस 10 से, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस को माइनस से गुणा किया क्या आएगा, माइनस, और 100 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो यहां क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1000। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। उसके बाद हमें दिया गया है माइनस 5 की पावर 4, तो आप देखो यहां कि ये माइनस 5 का कितनी बार गुणा होगा, 4 बार गुणा होगा, तो हम 4 बार इसका गुणा कर रहे हैं। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आएगा, 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आएगा, 5 को 5 से गुणा किया 25, हमें 25 को 25 से गुणा करना है, तो 25 को 25 से गुणा करने पर क्या आएगा, 225 आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी ऋणात्मक संख्या की पावर विषम संख्या हो तो हमारे पास क्या आएगा, सदैव माइनस का चिन्ह आएगा, और जब भी कोई धनात्मक संख्या की पावर कोई ऋणात्मक संख्या की पावर सम संख्या हो तो सदैव क्या आएगा, धनात्मक आएगा। यहां देखो माइनस एक की जो पावर है वो एक विषम संख्या थी, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस का आया। यहां माइनस एक की पावर क्या है, सम संख्या है, तो रिजल्ट क्या आया, सम संख्या यानी प्लस का आया। यहां अपने पास माइनस 10 है, उसकी पावर विषम है, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, माइनस में, और अगर यहां पावर सम है तो रिजल्ट जो है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं। नाउ सब्सक्राइब टू ब्राइट ड्यूटी कोर्स एट ₹1 पर डे ओनली। Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.